मुंबई के डोंगरी इलाके में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहां पर चार मंजिला बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। इमारत के मलबे में करीब 40 से 50 लोगों के दबने की आशंका है, जबकि 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस, दमकल की गाड़ियां और NDRF की टीम मौके पर पहुंची है और बचाव कार्य किया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक मलबे में करीब 8 से 10 परिवार दबे हो चला गया है। इस बीच BMC की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें इस बिल्डिंग को C1 श्रेणी का बताया गया है, यानी इस बिल्डिंग को खतरनाक बताया गया है और खाली करने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। वहां के निवासियों को इस बिल्डिंग के रिडेवलप होने की परमिशन मिली थी। हालांकि अभी हमारा फोकस लोगों को बचाने पर है। जब सारी बातें सामने आएंगी तो इसकी जांच कराई जाएगी। अभी मौके पर 10 से अधिक एम्बुलेंस पहुंच गई है, जो घायलों को अस्पताल ले जाने में मदद कर रही है। BMC की तरफ से जो शेल्टर खोला गया है, वहां पर भी घायलों को ले जाया सकता है। हादसा काफी बड़ा है, इसी वजह से NDRF की तरफ से अब टीमें मौके पर भेजी गई हैं। ये बिल्डिंग BSB डेवलपर्स की है। इस बिल्डिंग को 2012 में नाक दी गई थी। महदा के मुताबिक ये बिल्डिंग उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, जिसमें खतरनाक बिल्डिंगों को शामिल किया गया है। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।